तो दोस्तों एक बहुत ही सनसनीखेज टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। वैसे काफी लेंदी और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन एकदम ही आसान भाषा में मैं आपको ट्रांसलेट करके बताने जा रहा हूँ। तो कहीं से भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बस आपसे यही निवेदन रहेगा कि आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है, कोई भी ऐसा एक्सपर्ट नहीं है जो कि कंडेम कर पाए। इवन अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, जो कि ब्रह्मोस से सीधे सीधे थ्रेट महसूस करते हैं, ये सारे देश भी कभी भी भारत की ब्रह्मोस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंडेम नहीं किए। लेकिन इस बार एक दूसरे बहाने को लेकर अमेरिकन एक्सपर्ट द्वारा भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को कंडेम कर दिया गया है। और इन शॉर्ट उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ये जो फिलीपींस को बेची गई है ब्रह्मोस, ये फिलीपींस के किसी काम की नहीं है, क्योंकि फिलीपींस के पास C4ISR का कोई सिस्टम है ही नहीं। अब ये क्या होता है, इसी के बारे में जानिए। दरअसल अमेरिकन विदेश विभाग के पूर्व मुख्य सलाहकार रहे हैं टेलिस। इन्होंने भारत के कोलकाता में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में एक थिंक टैंक है कट्स इंटरनेशनल, इनके द्वारा एक समिट आयोजित किया था। उसी के दौरान बोलते हुए इन्होंने ये कहा, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल अद्भुत है और इसकी क्षमताओं पर बिल्कुल भी संदेह नहीं किया जा सकता, लेकिन ये फिलीपींस के लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि फिलीपींस के पास C4ISR की कोई सुविधा नहीं है। तो देखिए, C4ISR को कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर, ये C4 का मतलब हो गया, यानी C4 बार। इसके बाद बचता है IRS, तो इसका मतलब हो गया इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकॉनोसेंस। तो ये सारा सिस्टम जिस भी देश के पास पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है, उससे पहले ये ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग उनके बस की बात है ही नहीं। यानी मान लीजिए कल को हम लोगों ने नेपाल जैसे देश को या बांग्लादेश को हमारी अग्नि 5 मिसाइल दे दी और कह दिया कि मैक्सिमम दूरी तक टारगेट करते हुए इसे लॉन्च कर दो और चाइना का कोई लगा उड़ा दो, तो क्या वो ऐसा करने में सक्षम होगा? तो मैं आपको कहूंगा कि नहीं। कारण ये है कि पहले उसकी लोकेशन आपको चाहिए, लोकेशन के लिए आपके पास सर्विलांस के तंत्र वगैरह होने चाहिए, एक पूरा डेटाबेस चाहिए होगा जहां पर आपको उसे दागना है, और उसी डेटा के अनुसार फिर आप अपनी मिसाइल को पर्टिकुलर लक्ष्य के ऊपर फायर करेंगे। जब तक ये सारे सिस्टम आपके पास उपलब्ध नहीं है, तब तक आप उस मिसाइल का मैक्सिमम इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी ऐसा नहीं है कि 300 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल आपको दे दी गई है, तो आप 300 किलोमीटर दूरी पर कोई दुश्मन का जहां जा रहा है उसे आंखों से देखकर आप उसके ऊपर निशाना लगाकर उसे मारकर गिरा देंगे। तो जब किसी स्थिर टारगेट को जब आपको डिस्ट्रॉय करना होता है, उससे पहले उसकी संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण लोकेशन आपकी मिसाइल के अंदर फिट करना होगा, तभी जाकर वो टारगेट पर जाकर गिरेगी, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मारकर गिराएगी। और जब आपको एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल करना है, तो इसमें डेफिनेटली आपका जो टारगेट होगा वो मूविंग होगा, इधर उधर विचरण कर रहा होगा, तो उसकी सटीक जानकारी, एक एक सेकंड की इंच इंच की जानकारी आपको मिसाइल के अंदर फिट करनी होगी। और जब मिसाइल अपने पाथ पर होगी, उस दौरान भी उसे कमांड देकर उसे प्रॉपर गाइड करना होगा, तभी जाकर वो उस टारगेट को न्यूट्रलाइज कर पाएगी। अदरवाइज कितनी भी अच्छी मिसाइल हो, वो लक्ष्य को मारकर नहीं गिरा पाएगी। तो C4ISR के बिना एक्चुअली आपकी मिसाइल लक्ष्य को मारकर नहीं गिरा सकती, फिर वो कितनी भी शानदार मिसाइल हो, उसका कितना भी शानदार ट्रैक रिकॉर्ड क्यों ना रहा हो। बताया जाता है कि पहले तो IRS की सुविधा आपके पास चाहिए। IRS की सुविधा किसी भी द्वीपीय देश के लिए जरूरी इसमें ये होगा कि उसके पास लंबी दूरी के रडार सिस्टम्स हों, इसके अलावा उनके पास सर्विलांस के लिए विमान वगैरह हों, या तो उनके पास डोर्नियर 228 जैसे विमान हो जिसके जरिए वो लोग संपूर्ण सर्विलांस और रिकॉनेसेंस का काम करते हों, किसी तरह के सर्विलांस ड्रोन्स वगैरह हो, उसका डेटाबेस पूरा उनके पास मजबूती से बना हो। इसके अलावा उनके पास एवॉक सिस्टम की व्यवस्था चाहिए, और इस तरह की चीजें फिलीपींस के पास प्रॉपर नहीं है, तो IRS की सुविधा पूरी तरह से उनके पास है ही नहीं। इसके अलावा C4 में से कमांड और कंट्रोल सिस्टम को देखा जाए, तो इसके बिना फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल को उसकी क्षमता के अनुसार इस्तेमाल करने योग्य रहेगा ही नहीं। और अगर बात की जाए फिलीपींस की, तो वो केवल इसे स्टैंड ऑफ रेंज से फायर करने में समय सक्षम है, जो कि साउथ चाइना सी जैसी क्रिटिकल कंडीशंस में उतना ज्यादा उपयोगी साबित नहीं होगा। और वैसे भी समझने वाली बात यह है कि अगर ये एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, तो डेफिनेटली पहले तो आपको दुश्मनों के जहाज की पूरी लोकेशन चाहिए होगी, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए होगी कि वो किस एरिया में इस समय है, वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद ही उस डेटा के अनुसार आप उस मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए पर्टिकुलर जहाज को उड़ा पाएंगे। तो अल्टीमेटली C4ISR आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाने वाला एक सिस्टम होता है। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझे, तो Su-30 MKI का एग्जाम्पल ले लीजिए। Su-30 MKI के अंदर हमें Mark 3 जैसी मिसाइलों का इंटीग्रेशन करना है, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसके साथ साथ हमें उनके अंदर हाइपरसोनिक मिसाइलें भी इंटीग्रेट करनी है।
तो आप सब लोग अवेयर हैं इस बात से कि ये सारी मिसाइलों के इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जब Su-30MKI के अंदर एक कैपेबल रडार सिस्टम हम लोग इंटीग्रेट कर दें। इसी वजह से उत्तम सीरीज के रडार सिस्टम Su-30MKI के लिए बनाए जा रहे हैं। जब आप 350 किलोमीटर तक का लक्ष्य पहचान ही नहीं पाएंगे तो उससे पहले आप Astra Mark III मिसाइल टारगेट कैसे कर देंगे। लेकिन जब आपका फाइटर जेट इतनी सिचुएशनल अवेयरनेस अपने पास रखेगा जितना कि आपकी मिसाइल को लॉन्च करने के लिए जरूरी है, तब आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इन्हीं चीजों का इंडिकेशन अमेरिका द्वारा फिलीपींस को इस समय दिया जा रहा है। हालांकि ये सारी परिस्थितियां फिलीपींस को भी पता थी और फिलीपींस ने इसी वजह से पर्टिकुलर कुछ टारगेट्स के लिए ही ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदा है। और ये वो सारे इलाके हैं जो कि चाइना द्वारा इस समय कब्जाए गए हैं और जहां पर चाइना की प्रेजेंस होती है। इवन हम लोग अक्सर देखते हैं कि चाइना के कई सारे जहाज वगैरह फिलीपींस के जल क्षेत्र में आकर घुस जाते हैं और वहीं पर वो लोग बिना बताए काफी लंबे समय तक स्टैंड ऑफ मोड पर रहते हैं। तो इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए फिलीपींस द्वारा ये मिसाइलें खरीदी गई है। तो मिसाइल तो बुरी नहीं है, लेकिन उसका उपयोग फिलीपींस के हिसाब से उतना नहीं है या फिलीपींस उसे इस्तेमाल करने में उतना योग्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ और चीजें भी कही, तो उन चीजों से ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका शायद अपने डेटाबेस को ब्रह्मोस मिसाइल से जोड़ने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है और इसके लिए वो फिलीपींस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका ऑफर दे रहा है। क्योंकि बताया ये जाता है कि फिलीपींस के आग्रह से अमेरिका के कुछ MQ-9 ड्रोन्स फिलीपींस के जल क्षेत्र की निगरानी के लिए वहाँ पर एक्टिव होते हैं, मौजूद होते हैं। तो उस MQ-9 ड्रोन की वजह से जो भी डेटा वगैरह कलेक्ट होता है और जो भी इंटेलिजेंस वगैरह मिलती है उसके आधार पर ब्रह्मोस मिसाइलों का उपयोग पॉसिबल है और उसकी मैक्सिमम क्षमता तक। तो संभवतः अमेरिका का प्रयास यहाँ पर यही है कि ब्रह्मोस को किसी न किसी परिस्थिति में लाकर अपने हिसाब से उपयोग करवाई जाए फिलीपींस के जरिए। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जब भारत से फिलीपींस ब्रह्मोस खरीद रहा था उस समय भी अमेरिका ने काफी कुछ चीजें बीच में लाई थी और फिलीपींस को रोकने का बहुत प्रयास किया था। लेकिन फिलीपींस को चूंकि इसकी क्षमताओं के बारे में पता था, इस वजह से उसने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी। लेकिन इस तरह का मैसेज देकर अमेरिका ने उन सभी देशों को भी वार्न करने की कोशिश की है जो कि फिलीपींस की ही कैटेगरी के हैं, छोटे मोटे से देश जिनके पास ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं है, C4IRS जैसे सिस्टम्स जिनके पास मौजूद नहीं है। उन सभी देशों को वार्न करने की कोशिश की है कि देखिए आप इस तरह की भारी भरकम मिसाइलें ना खरीदिए, इसका मैक्सिमम इस्तेमाल आप नहीं कर सकते।